हेलो गाइस, बात करने वाले हैं पुनर्विवाह शो के बारे में। बात करें गुरमीत चौधरी और कृतिका सेंगर के बारे में, तो इन दोनों को लेकर फैंस एक्साइटेड रहते हैं हमेशा से ही, क्योंकि ये जोड़ी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई थी यश और आरती के कैरेक्टर से, तो इन दोनों को लेकर तो एक्साइटेड रहेंगे ही लोग। यही वजह है कि यश और आरती की डिमांड दोबारा से चल रही है, मतलब पुनर्विवाह शो के सीज़न 3 को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी किस तरह से तीनों साथ में, ये मतलब सीज़न 3 के अंदर ये एक बार फिर से देखने को मिल पाएंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है फैंस के लिए। तो अभी देखते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा, गुरमीत चौधरी डेली शो से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं, मतलब टीवी से ही वो दूर हैं। बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर राज कर रहे हैं, वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा म्यूज़िक एल्बम्स तो उनके आते ही रहते हैं। कृतिका सेंगर की बात करें तो वो कसम तेरे प्यार की शो के बाद से छोटी सरदारी में कैमियो रोल प्ले करते हुए नजर आए, उसके बाद से वो कहीं देखने को मिली नहीं है, और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, अपने बेबी को टाइम दे रही हैं। इसके बाद वो कमबैक करने के लिए तैयार हैं, इस तरह से बातें तो सामने आई थी, लेकिन अभी तक वो कमबैक करती हुई नजर आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही, यही वजह है कि वो साथ में देखने को मिल नहीं पा रही हैं टीवी पर कोई अपने पॉपुलर कैरेक्टर में या फिर कोई न्यू कैरेक्टर में। सो अभी जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, तो शायद पुनर्विवाह शो के सीज़न 3 का हिस्सा बनती हुई नज़र आ पाएँ। आने वाले वक्त में ही तय होगा कि क्या कुछ होगा, फिलहाल क्लियर कुछ नहीं है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट में वो देखने को मिलने वाली हैं। पुनर्विवाह शो का सीज़न 3 अगर आता है तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ फैंस के लिए नहीं होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पर हाईएस्ट TRP आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मिस करते हुए लोग काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं, और इतने लंबे टाइम से डिमांड चल रही है, इससे उम्मीद यही करी जा रही है कि इस शो का सीज़न 3 जब भी रिलीज किया जाएगा, अगर इसी जोड़ी के साथ किया जाता है, तो हाईएस्ट TRP तो आने ही वाली है। अभी OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू नज़र आ सकता है इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि सीज़न 3 आपको OTT के ज़रिए देखने को मिले, क्योंकि कई सारे ZTV के शो OTT के ज़रिए ही देखने को मिले हैं उनके सीज़न 2। तो कमेंट करके एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कराना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।